हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो चलिए, यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन यहाँ पे जो है कवर करा रहे हैं। इसमें मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। जो ये आप एक तरह मॉडल पेपर है, सभी एग्जाम को देखते हुए क्वेश्चन को तैयार किया गया, ठीक है जी। साथ ही साथ जो है छत्तीसगढ़ की जनजातियों को मैं पूरा डिटेल के साथ पढ़ा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के नदियाँ, जितने भी जलप्रपात वगैरह हैं, उसको मैं कंप्लीट करा दी हूँ। दोनों चीज मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करा दिया हूँ। फर्स्ट पार्ट जो है छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य और जितने भी राष्ट्रीय उद्यान, उसको मैं कवर करा रहा हूँ, जिसमें कौन कौन से नदी अब जो है कौन से अभ्यारण्य में प्रवाहित होती, कौन कौन से जीव जंतु, कब इसकी स्थापना, ये इस सब पूरा डिटेल के साथ हम पढ़। जैसे हम छत्तीसगढ़ की नदियाँ पढ़े हैं, जैसे हम छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ पढ़े, ठीक उसी हिसाब से जो है हम उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसको पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया जा रहा है, तो जाके देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। कोई भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे छत्तीसगढ़ के, ठीक है जी, वापम में छत्तीसगढ़ के प्रयोगशाला हो गया, आप छत्तीसगढ़ के हॉस्टल वार्डन की तैयारी के, CGPSC प्री के साथ साथ आपका मेंस के भी तैयारी हो जाएगा, ठीक है जी। तो लगभग शिक्षाकर्मी वगैरह सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें आपका जो छत्तीसगढ़ के सिलेबस नहीं है, सभी एग्जाम में आपका जो है सिलेबस में पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो रायगढ़ जिले के किस प्रागैतिहासिक स्थल पर पाषाणकालीन मानव की जो है कब्रगाह मिली है, ठीक है जी। तो कौन से जो है काल के जो है प्रागैतिहासिक स्थल पर जो है रायगढ़ में पाषाणकालीन मानव के कब्रगाह मिले हैं, सिंघनपुर में, छोटे पंडामड़ा से, टीपाखोल से, या तुम्हार से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, छोटे पंडामड़ा से। यहाँ से जो है ये आपके जो है मानव कालीन जो हो कब्रगाह के मिली है, ये जो प्रागैतिहासिक स्थल से कहाँ पर, ये रायगढ़ जिले से प्राप्त हुई, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। साथ ही साथ जहाँ पे उत्तर पाषाण काल में धनपुर महानदी घाटी रायगढ़ में यहाँ पे जो मानव आकृतियों का भी चित्रण प्राप्त हुए हैं, औजारों को भी यहाँ पे जो खुदी के खुदाई के दौरान यहाँ से प्राप्त हुई है, तो इसको याद रखिएगा। तो बहुत सारे जैसे आपका जो है सिंघनपुर के जो गुफा है जिसमें पाषाण काल निश्चय चित्रों के लिए यहाँ पे जो है प्रसिद्ध है, यहाँ पे कई बार एग्जाम में सिंघनपुर पूछा है, ठीक है जी। सिंघनपुर गुफाएँ जो है प्रसिद्ध है, ये आपके जो पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, और पत्थर के हस्तचलित कुदाल वगैरह यहाँ से जो है मिले हैं, ठीक है जी। मेरे सेशन में कई बार मैं जो है यहाँ पे जो है बता चुका हूँ, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी जो है दक्षिण भारतीय संस्कृति है जिसके अवशेष छत्तीसगढ़ राज्य में प्राप्त हुए हैं, महापाषाणी संस्कृति, चालुक्यकालीन संस्कृति, रंगपुर संस्कृति, आहार संस्कृति। इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दक्षिण भारतीय संस्कृति जिसके अवशेष छत्तीसगढ़ राज्य से प्राप्त हुई, ये जो है महापाषाण जो है संस्कृति जो है काल के यहाँ से जानकारी प्राप्त हुई है, ठीक है जी। इसका जो है ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वाकटक नरेश के समय दक्षिण कोसल पर वाकटकों को जो अधिकार पहली बार स्थापित हुआ था, नरेंद्र सेन द्वितीय, प्रवर सेन द्वितीय, प्रवर सेन प्रथम, या आपका इंद्र सेन प्रथम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवर सेन प्रथम। प्रवर सेन प्रथम कौन था, तो ये जो है वाकटक वंशियों का जो है एक शासक है, वाकटक वंश का एक शासक है। इन्हीं के समय में दक्षिण कोसल पर वाकटकों का अधिकार पहली बार स्थापित हुआ था, इसको याद रखना है। अगर प्रवर सेन की बात करूँ, इनके दरबार में कौन थे, तो महाकवि कालिदास, ठीक है। आपके एग्जाम में आया हुआ पेपर, ठीक है। CGPSC में दो बार रिपीट लगातार किया था 16 सत्र में, ठीक है, 16 सत्र में रिपीट किया था। इनके दरबार में महाकवि कालिदास आए थे, वाकटक वंश के शासक हैं, और ये अपने जो यात्रा के दौरान जो कालिदास इनके मतलब जो है दरबार में आए थे, इनकी यात्रा के दौरान जो है सरगुजा जिले की रामगढ़ रामगिरी की सरगुजा पहाड़ी पर किसकी रचना की थी, तो याद रखिए एम लिख दिया हूँ, मेघदूत ग्रंथ की इन्होंने रचना की, और सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहा था। मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में मुकुटधर पांडे ने अनुवाद किया। यहाँ से दो बार जो है लगातार पेपर में आया हुआ था, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जो ऐतिहासिक साक्ष्य है जो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है, सांची अभिलेख, राजिम अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, या उदयगिरी अभिलेख। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजिम अभिलेख, ठीक है जी। ये जो ऐतिहासिक साक्ष्य है, यहाँ से छत्तीसगढ़ के जो प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत होती है, तो यहाँ से क्या चीज़ की पता चलती है राजिम अभिलेख से, तो राजिम अभिलेख इसकी जानकारी लगभग 700 से लेकर 740 तक के जो है इसकी जानकारी होती है, ठीक। इसी के दौरान जो है इसको लिखा गया था विलासतुंग, ठीक है जी। ये जो नलवंशी शासक थे,
और छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के स्रोत जो है विलासतुंग जो है रादिम शिलालेख से मिलता है, ठीक है। जो विलासतुंग के जानकारी इसी अभिलेख से जो है मिलता है, और लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान विलासतुंग ने जो है राजी में राजीलोचन मंदिर का निर्माण कराया था, और राजीलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कलचूरी शासक, ठीक है जी, पृथ्वीदेव द्वितीय, ठीक है, राजीलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कलचूरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के जो सेनापति थे कौन थे, जगत पाल। कई बार पेपर में पूछा है, ठीक है, जगत पाल, ठीक है, तो जगत पाल के द्वारा ये जो किया गया था, ठीक है। तो राजीलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कलचूरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति थे जगत पाल के द्वारा किया गया था। तो यहाँ से लगभग 2 से 3 पेपर में ये इसको मेंस में भी आया हुआ है, पीएससी के सीजीपीएससी एसीएफ में आया है, व्यापम में प्री में अलग से पूछा, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। कई बार आप जो क्वेश्चन पेपर भी उठा कर देख सकते हैं प्रीवियस ईयर को, आप वहाँ से आपको जो है पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान कौशल के राजा महेंद्र को जो है पराजित किया था, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार, गया अभिलेख के अनुसार, किरारी काष्ट अभिलेख के अनुसार, या नालंदा अभिलेख के अनुसार? तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रयाग प्रशस्ति के जो है अनुसार। इस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान कौशल के राजा महेंद्र सेन को जो है पराजित किया था, ठीक है। तो गुप्त वंश के जो शासक थे समुद्रगुप्त, तो हरे सेन जो कृत प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्तवंशी राजा समुद्रगुप्त ने अपने जो है दक्षिणा विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के जो वाकटक राजा जो है महेंद्र सेन इनको हराया था, और महाकांतर के नलवंशी राजा व्याघ्रराज को भी इन्होंने हराया था, ठीक है जी। तो यहाँ से इसको याद रखिए, महासमुंद के जो कोपरा नामक ग्राम के जो समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के यहाँ साक्ष्य यहाँ से जो है मिले हैं। आपका जो यहाँ से मेंस भी आया हुआ है, महिला सुपरवाइजर जो महिला पर्यवेक्षक में एग्जाम में आया हूँ व्यापम में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लगभग 2 से 3 एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के ताला गाँव, ठीक है, छत्तीसगढ़ के ताला गाँव में जो स्थित देवरानी जेठानी जो मंदिर है, निम्नलिखित किस काल के हैं? मौर्य काल के हैं, सातवाहन काल के हैं, गुप्त काल के हैं, या छिंदक नागवंश काल के हैं? इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप जो है ताला गांव, आप सभी जानते होंगे, तो ताला गांव जो जहां पे जो है देवरानी जेठानी का मंदिर है, देवरानी जेठानी टेम्पल है, तो ये जो देवरानी जेठानी का जो है किस काल के माना जाता है? तो ये जो है गुप्त काल के जो है उदाहरण माना जाता है, ठीक है। ये जो देवरानी जेठानी मंदिर कौन से भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव जी, ठीक है, शिव जी को जो है समर्पित मंदिर है, और छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन मंदिर है। इसका निर्माण कौन से काल में हुआ था? लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी में जो इसका निर्माण हुआ था। इसी मंदिर का निर्माण जो है सरपुरी शासन काल के दौरान दो रानियों के द्वारा जो है निर्मित करवाया गया था। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया था, ठीक है जी, लाल बलुआ पत्थर से इसका जो है निर्माण किया गया था, और ये गुप्तकालीन स्थापत्य कला का जो है प्रतिनिधित्व यहाँ पर जो है करता है, ठीक है, गुप्त काल के हैं, ठीक है। ये भी आपके जो है 2 से 3 से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। और आपके एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि जो अमेरिका का ताला गांव जो है कौन से नदी के तट पे बसा हुआ है? तो याद रखिए, मनियारी नदी के तट पे जो है ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल आपका जो है बसा हुआ मनियारी नदी के तट पे स्थित है, ठीक है जी। तो ज़्यादा लंबा हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको बहुत सारा क्वेश्चन करना है, पूरा डिटेल के साथ आपको जो है हिस्ट्री में पढ़ाया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की जो पहाड़ी है कौन से जिला में स्थित है? अभी इसके बारे में बताया हूँ, तो ये जो है आपका जो है सरगुजा ज़िले में है, ठीक है जी। तो रामगढ़ की पहाड़ी जो है आपके सरगुजा ज़िले में स्थित है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के कबरा पहाड़, ठीक है जी, छत्तीसगढ़ के कबरा पहाड़ से प्राप्त लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल, सांभर जो शैल चित्र निम्नलिखित में से किस काल के हैं? तो पूर्व पाषाण काल के हैं, मध्य पाषाण काल के हैं, या आपके उत्तर पाषाण काल के हैं, या नव पाषाण काल के हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर, हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है मध्य पाषाण काल के हैं, ठीक है जी। कबरा पहाड़ जो ये सभी जो है आपके रायगढ़ जिले से है, और ये किस काल को जो है प्रदर्शित करती है? तो मध्य पाषाण काल के साक्ष्य हैं, जिसमें कबरा पहाड़ से प्राप्त लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल, सांभर जो शैल चित्र के लिए जो है रायगढ़ जिला बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है जी। बहुत सारे गुफा वगैरह यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो ये सभी जो चित्रकारी वगैरह यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुमारगुप्त का जो रत्न जड़ित मयूर का जो सिक्का कहाँ से मिलेगा? मतलब जो है कुमारगुप्त जो है एक जो है गुप्त वंश के शासक हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ।
गुप्त वंश का शासक है कुमार गुप्त, और ये इनके जो सिक्का है रत्न जड़ित जो मयूर का सिक्का जो कहाँ से प्राप्त हुआ है, हारंग से, दुर्ग से, रायपुर से या बस्तर से, इसका जो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रायपुर के जो आरंग है यहाँ से जो है कुमार गुप्त के जो है रत्न जड़ित जो है मयूर सिक्का जो है आरंग यहाँ से प्राप्त हुआ है। आरंग और किस नाम से जानते हैं, तो इसको जो है मंदिरों की नगरी, ठीक है, मंदिरों की नगरी के नाम से इसको जो है जाना जाता है, ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत कालीन चित्रांगद पुर का वर्तमान नाम क्या है, रतनपुर, सिरपुर, खल्लारी या सिवरी नारायण। तो महाभारत कालीन में जो देखेंगे या रामायण काल में आप पढ़ेंगे बुक वगैरह में, तो उस समय जो है अलग अलग नाम से, जो कई बार सेशन बताया हूँ, अलग अलग नाम से अलग अलग इसको जो है कहा जाता, अभी उस समय अलग कहा जाता था, अभी इसको अलग नाम से जानते हैं। जैसे महाभारत काल के दौरान चित्रांगद पुर को अभी जो है सिरपुर के नाम से जानते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन। सिरपुर जो है महासमुंद के जिला के अंतर्गत आते हैं, और यहाँ से किसकी जानकारी मिलती है, तो अर्जुन के जो पुत्र थी भब्रुवाहन की जो राजधानी इसको बनाई गई थी। रतनपुर को मणिपुर के नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है जी, और आरंग को भांडेर के नाम से, खल्लारी को खल्लवाटिका, ये सभी जो है महाभारत काल के दौरान इसको जो है कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिद्धिपुर ताम्रपत्र, ठीक है जी, तो रिद्धिपुर ताम्रपत्र जो है किससे संबंधित है, या रिद्धिपुर ताम्रपत्र किसकी जानकारी प्राप्त होती, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे आया हुआ है। ये आपका जो है मेंस में दो बार 2011 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। तो रिद्धिपुर ताम्रपत्र किससे संबंधित है, नरेंद्र सेन, हरिसेन, प्रवर सेन या पृथ्वी सेन। ये आपका नरेंद्र सेन नहीं है, ये आपका भवदत्त है, ठीक है जी, भवदत्त, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भवदत्त। तो रिद्धिपुर ताम्रपत्र में जो है भवदत्त, भवदत्त की जो है जानकारी मिलती है, एक जो नलवंशी ताम्रपत्र है, तो भवदत्त वर्मन के जो है ताम्रपत्र, रिद्धिपुर ताम्रपत्र से यहाँ से जानकारी मिलती है। या आपके मेंस में एक बार क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद जो है केसरी बेड़ा, ठीक है, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र में किसकी जानकारी मिलती है, तो अर्थपति भट्टारा की, तो अर्थपति भट्टारक की जानकारी प्राप्त हुई। आपको दो बार मेंस में ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, आप क्वेश्चन पेपर भी उठा कर देख सकते हैं, ठीक है। पंड्या पाथर ताम्रपत्र से भीमसेन द्वितीय की जानकारी मिली है, राजिम शिलालेख से जो है विलासतुंग स्टार्टिंग में बताया मैंने, पोड़ागढ़ शिलालेख से स्कंद वर्मन की जो है जानकारी यहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये सभी को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना कहाँ पर स्थित है जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना विशेषर में, करकाभाठा, रामेपुर या केरता है ना ये, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विशेषर में, ठीक। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना जिसकी स्थापना लगभग 2016 में इसकी स्थापना किया था, ठीक है, तो विशेषरा जो ग्राम है यहाँ पर जो है इसका जो है आपका विशेषरा जो है राजनांदगांव जिला, ठीक है, तो राजनांदगांव जिला के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे जो है इसको जो स्थापना किया गया था, और लगभग 14 मेगावाट जो है विद्युत उत्पादन यहाँ से किया जाता है, तो इसको भी याद रख। तो ये आपका जो सरदार वल्लभ भाई पटेल खाना, ये आपका जो है कवर्धा जिला के अंतर्गत आती है विशेषरा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन और पूछा कि तो भोरमदेव जो शक्कर कारखाना है ये जो है ये आपके रामपुर कवर्धा में है, ये हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम सा कारखाना है, और इसके साथ साथ 6 मेगावाट बिजली भी उत्पादन किया जाता है, ठीक है, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए, इसको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में ब्रॉड गेज रेल सेवा प्रारंभ किया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर 27 नवंबर, ठीक है, 27 नवंबर जो है 1888 में जो है छत्तीसगढ़ में ब्रॉड गेज रेल सेवा प्रारंभ किया गया था, ठीक है जी, ये डेट को याद रखना है 1888 27 नवंबर। अगला क्वेश्चन, तो रेल परिवहन से और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ रेल लाइन की कुल लंबाई कितनी है, तो लगभग 1196 है, इसको याद रखिएगा, और इसमें विस्तार हुआ है। बिलासपुर रेल मंडल की स्थापना कब की गई थी, तो सन 1900 में कलकत्ता रेलवे का अधीन जो है इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है, इसको याद रखना है। और छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम रेल संचालन 27 नवंबर अभी बताया 1888 में बंगाल नागपुर के मध्य प्रारंभ हुआ था, इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के सबसे लंबा जो है प्लेटफॉर्म जो है बिलासपुर रेलवे स्टेशन का, इसको याद रखिएगा, इसको याद रखना है आपको। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आती है बिलासपुर, ये भारत का कौन से क्रम का रेलवे जोन है, तो 16 क्रम का रेलवे जोन है। 1998 में जो है इसकी घोषणा की गई थी, 1 अप्रैल 2003 में इसकी स्थापना किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर बिलासपुर में, इसको याद रखना है। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा, पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, इसी तरह सेशन को लाया जाएगा,
बढ़िया जुड़े रहिएगा। यहाँ से आपके जो है अलग अलग मेंस तक के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जो कंटेंट में ज़्यादा फोकस कर, कोई भी क्वेश्चन यहाँ कराने कोई मतलब नहीं है, ठीक है जी। तो लगातार बढ़िया मेहनत करते रहिएगा। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।